ये है लैम्बोर्गिनी की मार्सेलाको LP640 रोडस्टर। ये जो एग्जिस्टिंग अवेंटाडोर है उसका पिछला मॉडल है। तो मैं सोचा यहाँ पे खड़ी हुई है तो मैं आपको दिखाऊँ सही तरह से, क्योंकि ये ढलान पे खड़ी, थोड़ा सा मैं कैमरा टेढ़ा करूँगा ताकि आपको इसकी हाइट का अंदाज़ा हो कि ये कितनी लो गाड़ी है। ठीक है ना, अभी भी बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, इसमें है 6,500 cc 12 सिलेंडर इंजन और ये 640 horsepower बनाती है। ये इसके रियर लाइट्स हैं, यहाँ पे ग्रिल दी हुई है इंजन की हवा के लिए, यहाँ पे भी ग्रिल दी हुई है बीच में, यहाँ पे एग्जॉस्ट पाइप एक बड़ा सा दिया हुआ है। अगर हम करीब से देखते हैं तो ये इसका इंजन का कवर है ग्लास का और यहाँ पे जगह जगह हवा निकलने की जगह दी हुई है। ज़ाहिर है जब ये 6,500 cc का जब इंजन चलता होगा तो बहुत हीट पैदा करता है, प्लस जो गाड़ी चलती है तो उसमें ये एयर डक्ट्स भी दिए हुए हैं। अच्छा, ये जो है ना खुलते हैं और ये बंद भी हो सकते हैं, वैसे तो तेज़ स्पीड पे ऑटोमेटिकली खुलते हैं, अगर आपको वैसे ही खुले रखना है तो वो भी बटन से आप दबा के खुले रख सकते हैं। ना आपका इसका इंटीरियर दिखाता हूँ, इतना वही खास नहीं है कि दूसरी तरफ से दिखाता हूँ ज़्यादा सही। तो ये अपने ज़माने में तो ये तकरीबन 10 लाख से स्टार्टिंग थी इसकी कूपे की, वाइट कलर की है। अच्छा, ये एक शोरूम है यहाँ जिस मॉल में ही खड़ी है उसके बराबर में, इसका नाम है डील्स एंड व्हील्स, उन्होंने यहाँ पे रेफल ड्रॉ के लिए खड़ी की है। ये इसका इंटीरियर है, इंटीरियर ओके, मुझे कोई ख़ास नहीं पसंद आया। सीट्स अच्छी हैं, लाल मगर लाल बहुत तेज़ रंग है, और जो ये सेंट्रल कंसोल है, एसी ग्रिल है, ये सब चीज़ें मुझे पसंद है। स्टीयरिंग व्हील भी इसका बहुत पुराने ज़माने का है। तो शुक्र है अवेंटाडोर का जो इंटीरियर वो इससे कहीं ज़्यादा अच्छा है, अवेंटाडोर इससे काफ़ी तेज़ है क्योंकि वो बहुत अग्रेसिवली इसको रीडिज़ाइन किया गया है, प्लस वो इंजन इसका बिल्कुल नया है, सेम 6,500 cc है मगर वो 700 horsepower बनाता है। उसकी टॉप स्पीड तकरीबन 340 तक है और ये आराम से 330 तक तो जा सकती है। और ये और नीचे इसलिए क्योंकि इसमें छत नहीं है, छत इसमें जो है वो फोल्डेबल है, वो आगे यहाँ इसकी डिग्गी आगे है क्योंकि पीछे इंजन है, तो यहाँ आगे छोटा सा इंजन है, वहाँ पर इसमें से निकल के और खुल के फिर वो यहाँ फिट होता है छत की यहाँ ऊपर। तो इसी तरह मैंने और भी गाड़ियों की वीडियोस डाली हुई अपने चैनल पे, तो देखते रहिएगा। प्लस मैं डील्स एंड व्हील्स के भी शोरूम में गया हूँ, वहाँ पे उनके पास मैकलैरन P1 और 918 और अवेंटाडोर्स ला फरारीज हैं, तो वो भी देखते रहिएगा। और यहाँ पे एक साथ में ब्रावो में एक मैकलैरन 570S भी है, ये तो खैर काफ़ी कॉमन है यहाँ पर, तो इसकी भी मैं वीडियो बना लूँगा अगर आप लोग चाहें तो।